सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जा रहे हैं फ्लावर अप वैली। खिराई नाम है इसका, तो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है। और चार दोस्त के साथ निकला हूँ, दो बाइक है, ज़्यादा नहीं, एक डेढ़ घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे आशा करते हैं। तो ज़्यादा आपके साथ और टाइम पास नहीं करूँगा, सीधा जो है स्पॉट आपको दिखाता हूँ। कलकत्ता से अगर आना है, लोगों को पता है, आप आजकल इतनी आसान तरीका आ चुका है रास्ता ढूंढने की, मैं क्या बताऊँ। आप गूगल में जाके सर्च करो खिराई और आ जाओ, डायरेक्शन देखते देखते। सो डायरेक्शन बताना बिल्कुल बेकार है। अभी टाइम हो रहा है 7:30, एक घंटा का जर्नी है। अगर इस तरह से हमें हाईवे मिलता गया तो हम एक घंटे में ही कवर कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं थोड़ा देर बाद खिराई में। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हालांकि ये वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला, छोटा में कैसे कॉम्पैक्ट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाए उसी का मेरा मेन मोटो है, और छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि लंबा वीडियो आजकल कोई देखता नहीं है। सो बने रही वीडियो में लास्ट तक, मिलते हैं आपको स्पॉट में। टिल देन कीप वॉचिंग। सो दोस्तों ये अभी हम लोग मेन रोड से जो अंदर आ गए हैं, ये लेफ्ट एक नदी है, इसी के किनारे किनारे हमें जाना है अभी, और 2-3 किलोमीटर के बाद ही जो स्पॉट है वो है। पता नहीं हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं, सुषमन पूछना, पूछ पूछ भाई से पूछ। छोड़ तू लेट कर दिया यार। बराबर जा रहे हैं हम लोग, अभी देख रहे हो आप कंडीशन कैसा है कि रास्ता काफ़ी ख़राब है दोस्तों। जब आइएगा तो थोड़ा सावधानी से ज़रूर आइए, और अगर बरसात वगैरह हो जाए तो इसको अवॉइड कीजिए बाइक लेके आने में, क्योंकि पूरा रास्ता जो है ये जो मिट्टी पड़ा हुआ है इतना स्किड करेगा बाइक। तो जब भी आप आते हो थोड़ा सावधानी से, रास्ते पे लोग मतलब धूप के लिए बैठे हुए हैं, कोई काम भी कर रहे हैं रास्ते पर। सो ये चीज़ आपको थोड़ा केयरफुली आना है इस रास्ते पर जब आते हो। और रोड का कंडीशन भी आप देख पा रहे हो कैसे बहुत ही ख़राब है। कोई नहीं, डेवलप हुआ नहीं है, होगा धीरे धीरे। स्पॉट जब खुल ही गया है तो लोग धीरे धीरे आने लगेंगे और डेवलपमेंट भी हो जाएगी। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आप देखिए अभी से शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। दोस्तों ये है, यहीं से शायद हमें नीचे उतरना पड़ेगा और आगे जाना है, लेकिन यार रास्ता काफ़ी ख़राब है, उसी हिसाब से आना है। ये कुछ मेला लगा इधर लग रहा है बस। है ना काफ़ी मस्त नज़ारा दोस्तों। चलिए आपको पूरा डिटेल व्यू अब दिखाता हूँ। ये है, और ये दोनों आए थे मेरे साथ, ये मेरे पीछे बैठा था सुशोभन, और ये है सुनील। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए, राइट राइट। ये देखो